जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है स्पेशली सैलरी के लिए है, CRPF सैलरी की, मतलब CRPF में कितना पैसा मिलता है ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद। तो आज मैं सैलरी के बारे में आपको जितना भी कन्फ्यूजन है कि ट्रेनिंग के बाद में CRPF में कितनी तनख्वाह मिलती है या CRPF में जो कमांडोज जाते हैं जैसे कोबरा कमांडो, एनर्जी कमांडो, उनको कितना पेमेंट मिलता है, तो ये पूरा वीडियो उसी बारे में है दोस्तों। अगर आपको इससे संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो एंड तक आप देखना। तो शुरुआत करते हैं ट्रेनिंग से। तो दोस्तों ट्रेनिंग में आपको 21,700 जो बेसिक पे है वो मिलती है, जो मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया उसमें बताया है। उसके अलावा आपको HRA मिल जाता है जो अभी ट्रेनिंग में लागू हो जाएगा। HRA जहाँ 3 HRA के मतलब 8%, 16% और 24%, ये आपकी सिटियों पे डिसाइड करता है कि आपकी सिटी कौन सी ट्रेड में आती है। जैसे गाँव में अगर आप रहते हो ग्रामीण क्षेत्र में तो 8% आपको HRA मिलेगा पेमेंट का, नॉर्मल सिटी में रहते हो तो 16% और दिल्ली जैसी महानगर में रहते हो तो 24% HRA मिलता है। इसके अलावा हो गया आपका DA दोस्तों। तो कुल मिला के ट्रेनिंग में आपको 30,000 के समथिंग, 25 से 30,000 के समथिंग, मतलब सबका अलग अलग रहेगा DA उसमें HRA की वजह से, तो 25 से 30,000 के बीच में आपकी ट्रेनिंग में पेमेंट रहेगी दोस्तों। वो अलग इसलिए रहती है क्योंकि सबको HRA अलग अलग मिलता है। तो ये रहती है आपकी ट्रेनिंग में। और दोस्तों साथ ही दीपावली आने वाली है तो बता दूँ कि दीपावली का बोनस भी मिलता है। दीपावली का बोनस 8,000 रुपये भी मिल रहा है CRPF के जवानों को, एक सिपाही को 8,000 रुपये भी बोनस मिलता है दीपावली का। उसके अलावा एक वर्दी का भी मिलता है जो जुलाई मंथ में मिलते हैं, 10,000 रुपये हर साल वर्दी के मिलते हैं, जो आपको वर्दी सिलाने के लिए पैसे देती है गवर्नमेंट। इसके अलावा दोस्तों आप पूछोगे ट्रेनिंग के बाद में हमारी पेमेंट क्या रहेगी, तो ट्रेनिंग के बाद में जो पेमेंट रहती है दोस्तों वो भी 3 भाग में बटी हुई है कि आप जिस क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हो उस क्षेत्र में कितना परसेंट रिस्क अलाउंस लगता है। तो ये 3 भाग कौन से है दोस्तों, कि जो बिल्कुल पीस एरिया है या किसी सिटी में आप रहते हो या बिल्कुल पीस एरिया में रहते हो तो वहाँ पर आपको रिस्क अलाउंस मिलता है दोस्तों 7,400, जो आपकी जो पेमेंट बनती है उसके ऊपर ये 7,400 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके अलावा जो सेकंड आ गया दोस्तों वो है 9,700 रुपये, 9,700 रुपये, मतलब थोड़ा सा टिपिकल एरिया रहता है जैसे जम्मू, तो वहाँ पर 9,700। इसके अलावा हाई रिस्क एरिया जैसे कश्मीर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, तो ये CRPF के लिए हाई रिस्क एरिया है, तो इनमें इनको 17,300 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं दोस्तों। तो ये मान लीजिए अगर आप हाई रिस्क एरिया में रह रहे हो तो आपकी पेमेंट शुरुआत में 45,000 से 50,000 के बीच में रहेगी। अगर आप लो रिस्क एरिया में रह रहे हो मतलब पीस एरिया में रह रहे हो तो आपकी पेमेंट 35,000 से 40,000 के बीच में रहेगी दोस्तों, और आप बीच वाले में रह रहे हो तो 40,000 से 45,000 के बीच में आपकी पेमेंट रहेगी दोस्तों। तो ये तो हो गई 3 भागों में, आपकी पोस्टिंग पे डिपेंड करेगी आपकी पेमेंट। इसके अलावा CRPF में जैसे कमांडो आप बोलते हो, कोबरा कमांडोज को क्या सैलरी मिलती है, एनर्जी कमांडोज को क्या सैलरी मिलती है, या CRPF के जो स्पेशल कमांडो जैसे कोबरा होगी तो उसको सैलरी के अलावा और क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों बता दूँ, कई लोगों ने ये भी बोला कि दारू मिलती है कि नहीं मिलती, तो दोस्तों CRPF में दारू नहीं मिलती है, आपको प्रति महीने रम की पेमेंट मिलती है। मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में हर एक जवान को जैसे जिस इलाके में ड्यूटी करता है उस इलाके के अनुसार जैसे 158 रुपये या 200 रुपये या 300 रुपये रम के अलाउंस बोलते हैं, जिसको रम अलाउंस बोलते हैं दोस्तों, वो मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोबरा कमांडोज की पेमेंट, दोस्तों उनकी अभी प्रेजेंट टाइम में जो पेमेंट है वो जो बेसिक पे है उसके अलावा उनको 17,300, मतलब वो हाई रिस्क एरिया में आते हैं काउंट, उनको 17,300 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, और यही एनर्जी में है दोस्तों। इसके अलावा उनको 2-4 और रिस्क अलाउंस, छोटे छोटे अलाउंस मिलते हैं दोस्तों, तो उनको मिला के कुल मिला अभी उनकी जो प्रेजेंट टाइम में अगर आप मान लो ज्वाइन करते हैं, आप अगर कोबरा में जाते हो तो आपकी पेमेंट 50,000 रुपये पर मंथ रहती है दोस्तों, या आप कश्मीर में जाते हो तो कश्मीर में भी आपकी पेमेंट 50,000 से करोड़ सी रहती है स्टार्टिंग टाइम में। अगर आप पीस एरिया में हो तो आपकी पेमेंट कम रहती है, जैसे जम्मू, तो जम्मू में अगर आप स्टार्टिंग से जाते हो तो आपकी 40 से 45,000 के बीच में आपकी पेमेंट रहेगी। बीच में रहने का कारण ये है क्योंकि वो जो HRA मिलता है होम रेंट अलाउंस, वो सभी का अलग अलग, जो गांव में रहते हैं उनको 8% मिलता है, जो नॉर्मल सिटी में रहता है उसको 16% मिलता है, और जो बिग सिटी में रहता है उसको 24% मिलता है। तो इस वजह से वो मैं आपको बता रहा हूँ 40 से 45,000 रुपये दोस्तों। इसके अलावा जो एनर्जी या कश्मीर है, कश्मीर में HRA डबल मिलता है, इसलिए वहाँ पर मतलब आपकी पेमेंट प्रेजेंट टाइम में लगते जाते हो तो आपको 50,000 क्रॉस मिलेगी, और कोबरा में भी यही पेमेंट है दोस्तों। और CRPF की जो सैलरी होती है, इसके अलावा साल में एक बार
दीपावली बोनस हो गया और एक बार 10,000 रुपये जो वो वर्दी का अलाउंस मिलता है दोस्तों, तो वो अलाउंस हो गया। अब कईयों के दिल में ये भी सवाल आता है कि सर सैलरी किस हिसाब से बढ़ती है CRPF के जवानों की, तो ये केवल CRPF के जवानों की नहीं, सैलरी कैसे बढ़ती है बता देता हूँ। तो दोस्तों बता दूँ कि साल में 3 बार सैलरी बढ़ती है, एक साल में 3 बार सैलरी बढ़ती है। कब कब कैसे कैसे, तो दोस्तों जनवरी में एक DA लगता है तो उससे आपकी सैलरी बढ़ती है, फिर एक जुलाई में और DA लगता है तो उससे भी आपकी सैलरी बढ़ती है, वो एक सालाना इंक्रीमेंट लगता है, तो ये 3 बार आपकी सैलरी बढ़ती है दोस्तों। जैसे हर DA का कोई फिक्स नहीं होता है, कभी आपको 4% मिल जाता है, कभी 5% मिल जाता है, तो मतलब साल में 2 बार 2 DA मिल जाते हैं आपको। उसके अलावा आपका इंक्रीमेंट मतलब सालाना जो गवर्नमेंट पेमेंट बढ़ाती है, आपका इंक्रीमेंट जो बेसिक पे बढ़ती है वो, तो मतलब साल में 3 बार आपकी पेमेंट बढ़ती है जो धीरे धीरे आगे जाके वृद्धि होती रहती है। कईयों को पेंशन का है कि इसमें पेंशन है या नहीं है, तो दोस्तों आप जानना चाहते हो अगर CRPF में पेंशन है या नहीं है या कौन सी पेंशन स्कीम है अभी, तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिखना, तब अगर रुचि होगी आपके इसके बारे में जानने के लिए तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में पैरामिलिट्री को कौन सी पेंशन स्कीम लागू हो रखी है। तो जय हिंद दोस्तों।